भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन रोहित शर्मा के शानदार शतक और चेतेश्वर पुजारा की समझबूझ भरी पारी की बदौलत टीम इंडिया ने अंग्रेजों पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली। जी आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने शानदार 127 रनों की पारी खेली और उनकी पारी की बदौलत भारतीय टीम ने एक पहाड़ जैसी लीड अंग्रेजों के खिलाफ अभी तक ले ली है। भारत की पास 7 विकेटें हैं और अभी भी भारत 171 रन इंग्लिश टीम से आगे। ऐसे में आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने 256 गेंदों का सामना किया, 14 चौके और एक छक्का उन्होंने जड़ा। साथ ही आपको बता दें कि छक्के के साथ उन्होंने अपना शतक पूरा किया। बतौर ओपनर और बतौर खिलाड़ी रोहित शर्मा का विदेशी सरजमी पर यह सबसे बड़ा स्कोर है, यानी कि यूं कहें कि रोहित का ये पहला शतक विदेशी सरजमी पर था। बड़ी बात यह रही कि रोहित शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो शतक जड़ने के बाद जैसे ही ड्रेसिंग रूम में जा रहे हैं उनका जबरदस्त स्वागत टीम मेंबर्स द्वारा किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि भारत इस टेस्ट मैच में अंग्रेजों से 7 रन की लीड से पिछड़ते पूरे तरीके से 99 रन की लीड से पिछड़ गया था। इंग्लिश टीम को ऐसा लगा कि उन्होंने भारत पर मजबूत पकड़ बना ली है, लेकिन भारत को जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरना था तब उम्मीद थी कि भारत के ओपनर्स भारत को अच्छी शुरुआत दिलाएंगे और वो हुआ भी। केएल राहुल और रोहित शर्मा ने पहले विकेट के लिए 83 रन जोड़ दिए और उसके बाद पुजारा और रोहित के बीच करीब 150 रनों की साझेदारी कर मैच का रुख पूरे तरीके से भारत की ओर मोड़ दिया। अब यहां से भारत कम से कम 100 रन और बनाता है तो फिर अंग्रेजों की टीम को टीम इंडिया मुसीबत में डाल सकती है। बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया अब इस टेस्ट मैच को जीत सकती है और भारत जीत के करीब भी पहुंच सकती है। बड़ी बात यह है कि आज भारत को थोड़ा सा बेहतर बैटिंग करनी होगी, लेकिन जिस अंदाज में रोहित शर्मा का वेलकम हुआ ड्रेसिंग रूम में वो देखकर वीडियो काफी वायरल हुआ है। विराट कोहली ने भी रोहित शर्मा का जबरदस्त स्वागत किया और उसके बाद पूरी की पूरी टीम ने रोहित के लिए जमकर तालियां बजाई। भाई तालियां बजनी भी थी क्योंकि हिटमैन जिस अंदाज में पारी खेल कर आए थे वो काफी जानदार थे। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।